नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल मलिक आपको एक छोटा सा बहुत मामूली सा एक मैसेज देने के लिए वीडियो बना रहा हूं और आई होप आप लोग भी मेरे से एग्री होंगे। और जो ये कोरोना फाइट हम लोग कर रहे हैं, इस जंग को हम लोग जीत जाएंगे दोस्तों। सीरियसली हम इस जंग को लगभग जीत चुके हैं क्योंकि हमने अच्छा खासा टाइम लॉकडाउन में बिता लिया है और जो भी कोरोना पॉजिटिव केस हैं वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं। देखो इसका मेन क्या कारण क्या था लॉकडाउन का, आई होप वैसे तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, बट इसके पीछे लॉजिक यही था कि लॉकडाउन करें अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है तो उसे आइडेंटिफाई किया जा सके। आप देख रहे होंगे इंडिया में केस बढ़ रहे हैं, एक्चुअल में ये केस बढ़ नहीं रहे, ये केस ऑलरेडी थे। ये क्या है, सिर्फ आइडेंटिफाई हो रहे हैं, अब ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ थोड़े से मात्र, बहुत दोस्तों निकल गया है सब कुछ, बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। और वो पेशेंस हम कैसे रख सकते हैं कि जैसे अभी मैं अभी आज सुबह मैं दूध लेके लेने गया था दुकान पे, तो मैंने पर्सनली फील किया कि लोग ना थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि यार कब तक चलेगा ये चीज, और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। दोस्तों एक बात बताओ, अगर हमने इतना टाइम घरों में रह के बहुत सक्सेसफुल तरीके से हमने ये टाइम बिताया है, तो यार अब थोड़ा सा और पेशेंस रख लो ना, क्या बुराई है, क्योंकि फायदा हमारा है और इसमें अकेला कोई नहीं जीत सकता। जब तक हम लोग सब लोग साथ मिलकर नहीं चलेंगे तो इस जंग को नहीं जीता जा सकता। और मेरी उन बंधुओं से, उन भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि जो लोग बहुत बहुत गंदी हरकतें कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल स्टाफ हो उसके साथ, मेडिकल इन द सेंस चाहे वो नर्स हो, डॉक्टर्स हो, जो भी है, ठीक है, एसेंशियल सर्विसेज के लोग जो लोग हैं, जैसे आपने आज सुना होगा पटियाला का एक केस हुआ है कि उस बंदे का हाथ ही काट दिया, यार वो हम लोगों की ना हेल्प कर रहे हैं, अपना घर बार छोड़ के बैठे हुए हैं। क्या गलती क्या है उनकी, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है। आपने देखा होगा मेरठ में केस हुआ, पुलिस वालों पे पत्थर बरसाए जा रहे हैं। जो देखो समझो आप, ये खासकर उन लोगों के लिए मैसेज है जो लोग इस चीज को नेगेटिव ले रहे हैं। दोस्तों ये पुलिस वाले, डॉक्टर, जो भी लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के लिए अपनी जान हथेली पे लेके घूम रहे हैं। यार आप निकल के देखो ना, अगर आपको ये पता है कि ये सामने वाला बंदा कोरोना पॉजिटिव है, आप चले जाओगे उसके पास? किसी के छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कोई आप समझो सब घर की जिम्मेदारी होते हुए, कोई डॉक्टर है, पुलिस वाले हैं, आप देख रहे हैं ऐसे से वो लोग घर में नहीं जा रहे हैं और वो बैठ के बाहर रो रहे हैं, अपने बच्चों तक से नहीं मिल पा रहे हैं वो लोग, और वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं उनके लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ कि उन पे पत्थर बरसा रहे हैं, नहीं यार वो हमारा हित चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम लोग ठीक हो जाएं। तो ये कोरोना सच में किसी का धर्म नहीं देखता है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये हिंदू को नहीं आएगा, मुस्लिम को नहीं आएगा, इसे धर्म में मत बांटो। सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को हेल्प करो जो हम लोगों को बचाना चाहते हैं। मेरे ही एक टच में कोई है जो पुलिस में है, आप बिलीव करो कि उनसे जब बात करी ना तो अंदर से बिल्कुल ये लगा कि यार सच में यार कितने टफ जॉब है ये, हम लोग तो अंदर बैठे हुए हैं, क्या करना है हमें, सिर्फ और सिर्फ अंदर ही तो बैठना है। तो कुछ पॉइंट है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। देखो पहला, सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग क्या है कि आपको कम से कम 1 मीटर की दूरी लोगों से बना के रखनी है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर आपको घर से बाहर से सामान लेके आना है तो गाइज ये मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं, ठीक है, आई होप आपको अच्छी लगेगी, कि आप सिर्फ और सिर्फ एक बंदा फिक्स करो कि एक ही बंदा बाहर जाएगा, दूसरा बंदा बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि होता क्या है, जो बंदा बाहर डेली जा रहा है, एक बंदा अगर जा रहा है तो वो सारे जो प्रिकॉशंस है वो सब ले सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक परमानेंट थैला बनाया आपने जो कि आपको सिर्फ बाहर रख के छोड़ देना है, आपको थैले में सामान लेके आना है, आप वो थैला परमानेंट बाहर रखो, आप उसे एंट्री नहीं दोगे। कोई भी चीज अगर लेके आ रहे हो आप घर के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आप वेजिटेबल्स ही लेके आ रहे हो या फ्रूट्स लेके आ रहे हो या कोई भी एक्स वाई जेड घर की कोई चीज, चावल दाल जो भी लेके आते हो, तो कम से कम कोशिश करो 24 घंटे तक उस चीज को टच ना करें। क्योंकि आपने ये सुना ही होगा, ठीक है, कि ये जो वायरस है ये 24 घंटे तक भी जीवित रह सकता है, खासकर इन चीजों पे।
तो आप ये गांठ बांध लो अच्छे से, अपने दिमाग दिल अच्छे से इस चीज को संभालो कि 24 घंटे तक उस चीज को आपको टच नहीं करना है। ये बहुत अच्छा एक तरीका है। सपोज हम दूध की भी अगर घर में एंट्री कर रहे हैं ना, तो उसके लिए बर्तन पहले से रेडी करा के जाओ बाहर, और दूध लाए और सीधा उसमें उड़ेला और सीधा गर्म किया थैली घर से बाहर। ये होता है तरीका। अदरवाइज मैं आपको सलाह ये दूंगा, कम से कम 24 घंटे का स्टॉक आपके पास दूध का होना चाहिए। बाकी हम सब चीजें स्टॉक रख सकते हैं 24 घंटे 36 घंटे, ठीक है, तो आपके पास दूध का भी स्टॉक होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मास्क। मास्क को भी देखा होगा आपने, इसे लेके बहुत पैनिक है लोग। यार मास्क की जरूरत सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को है जो बाहर जा रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया एक बंदा यानी कि एक मास्क की जरूरत पड़नी है आपको, ठीक है। उसके लिए भी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि आपको दुकान से खरीद के ही मास्क लेने हैं। आप कोई भी ट्रिपल लेयर, कम से कम ट्रिपल लेयर होना चाहिए क्योंकि ये माइक्रोन्स में है तो क्रॉस कर सकते हैं, तो ट्रिपल लेयर कोई भी सूती कपड़ा, कोई भी घर का अच्छा कपड़ा आप यूज कर। मोदी जी ने भी आपने देखा होगा जो कॉन्फ्रेंस की है उसमें घर का कपड़ा यूज किया है, तो हम लोग ट्रिपल लेयर यूज कर सकते हैं। तीन भाग, तीन तह, हिंदी में बात करें तो तीन तह लगा के हमें ऐसे बांध लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमारे लिए अच्छा है। और जब आप सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हो तो मुझे लगता है कि ट्रिपल लेयर इज इनफ, ठीक है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं भी ये नॉलेज सिर्फ और सिर्फ इकट्ठा करके आप तक पहुंचा रहा हूं। तो दोस्तों आपने एक, हाँ एक चीज और है, आपने देखा होगा यार हम लोग ना मेडिकल फैसिलिटीज में अभी अपग्रेड नहीं है कि हमारे पास सारी फैसिलिटी है। अमेरिका जैसा देश घुटनों पे आ गया है यार, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इसका एक मात्र, इस चीज से बचने का तरीका सिर्फ और सिर्फ एक मात्र तरीका क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग विद लॉकडाउन। आई होप मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी, और दोस्तों इसे अच्छे से फैलाओ और इसे फॉलो करो यार, यूं जीत जाएंगे हम। थैंक यू, हैव अ नेक्स्ट डे।